साथ ही ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया। आकाश आनंद अब बीएसपी में उत्तरा अधिकारी भी नहीं है, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाए गए आकाश आनंद। मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व नेता बताया है। बीएसपी में सभी पदों से आकाश आनंद को मायावती ने हटा दिया। आकाश पर एफआईआर के बाद अब मायावती ने गिरा दिए गाज। आकाश आनंद बीएसपी से सभी पदों से हटा दिए गए, अब वो मायावती के वारिस भी नहीं रहेंगे। आकाश आनंद के बारे में ये बड़ी खबर है, जहां उन्होंने तमाम विवादित बोल दिए, बोल बोले रैली को संबोधित कर रहे थे और कई बार उनकी जुबान बेकाबू हुई। मायावती काफी स्ट्रिक्ट भी मानी जाती है और उन्होंने अब अपने उत्तराधिकारी को जिस तरीके से ये तमाम चीजें उनसे जुड़ी हुई सामने आई है, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया है। हमारे साथ वीरेन जी जुड़ चुके हैं, स्टेट हेड। वीरेन जी, ये बड़ी खबर है, मायावती ने आकाश आनंद के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी है कि सभी पदों से हटा दिया गया है, इसके अलावा अब उनके उत्तराधिकारी भी नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और वो उनके भाई के बेटे हैं, यानी कि उनके भतीजे हैं, और मायावती उनको लगातार एक नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही थी, नेशनल कोऑर्डिनेटर उनको बनाया और उत्तर प्रदेश में वो बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े नेता के तौर पर वो उभर रहे थे और स्टार कैंपेनर थे। लेकिन अचानक से जब उनके खिलाफ सीतापुर में एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद से वो रैलियों से रोक दिए गए, उनकी रैलियां रद्द हो गईं और वो लगातार गायब थे। सीतापुर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी पार्टी कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद से मायावती ने शायद उनको रैली करने से रोक दिया और उसके बाद से वो लगातार गायब चल रहे हैं। जबकि चुनाव प्रचार सभा पर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, मायावती की रैलियां चल रही, लोकसभा चुनाव चल रहा है, लेकिन आकाश आनंद जो अचानक से उभरे थे, जिनकी शुरुआत हुई थी सियासत में, उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी केंद्र सरकार द्वारा दी गई थी, लेकिन उन्होंने सीतापुर की रैली में आक्रामक जो भाषण दिया उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और आज लगभग 10-15 दिनों के बाद मायावती ने उनको अपने उत्तराधिकारी पद से और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है और ये कहा है कि जब तक उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं आ जाती है तब तक वो बहुजन समाज के जो मिशन है उसको लीड करने के लिए अभी वो अपरिपक्व है, वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। यानी पहले उड़ना सिखाया और उसके बाद जब उनके बोल बेकाबू हुए तो पर भी कतर दिए। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए वीरेन सिंह जी, जानकारी देने के लिए। तो ये इस वक्त की निश्चित तौर पर सबसे बड़ी खबर है, मायावती की पार्टी से जुड़ी हुई, उनके भतीजे आकाश आनंद से जुड़ी हुई। और मेरे साथ मेरे सहयोगी सीमाब भी जुड़े हुए हैं। आप सीमाब, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पहले तो उड़ना सिखाया मायावती ने और उसके बाद जब बोल बेकाबू हुए आकाश आनंद के, उसके बाद उनको अपरिपक्व नेता बताते हुए सभी पदों से हटा दिया, उत्तराधिकारी भी नहीं रहेंगे, इसके क्या मायने, कितनी बड़ी खबर है ये? देखिए जाहिर है कि आकाश आनंद से जो है वो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं और यही वजह है कि मायावती उनके ऊपर इतना आक्रामक नजर आई है। सीतापुर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रैली किया था और उसमें साफ तौर पर उन्होंने आतंकवाद की संज्ञा दी थी भारतीय जनता पार्टी को और उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हुई थी, जिसके बाद से ये कश्मकश का दौर जारी था। आकाश आनंद की सारी रैलियां रद्द हो गईं, उनका कहीं आना जाना बंद हो गया और जब मायावती का ट्वीट आया है, ये तो वाकई में शॉकिंग है ट्वीट उनका और चौंकाने वाला ट्वीट है, क्योंकि उन्होंने पहले उत्तराधिकारी नियुक्त किया था आकाश आनंद को और उसके बाद उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, उनको जो है वो कमान सौंपी विभिन्न प्रदेशों की चुनाव की और आज अचानक से इस तरह से उनका ट्वीट कर देना। अच्छा सीमा, ये किसी ने सोचा नहीं था, मायावती काफी अनुशासन वाली नेता मानी जाती और काफी अनुशासन जब उनकी सरकार रही उस वक्त भी देखने, लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि वो अपने भतीजे के खिलाफ भी इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकती है, इतनी बड़ी गाज गिरा दी। जी देखिए ये मैसेज भी मायावती ने देने की कोशिश की है जी, क्योंकि आकाश आनंद हो या अभी कोई और भी हो पार्टी का नेता, मायावती पार्टी से निकालने में भी समय नहीं लगाती हैं। अक्सर देखा गया कि बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने साइड लाइन कर दिया, अगर जरा भी किसी ने गलती की या उनसे
जरा सा जो है वो सीमा ये खबर जो आप अभी आपने शब्द का जिक्र किया, आप देखिए इसके पॉलिटिकल भी कई मायने हैं, एक बड़ा संदेश भी इससे जाएगा कि मायावती अपने अनुशासन से ऐसे रवैये से भी पीछे नहीं है और उनको लगता है कि जो व्यक्ति ऐसा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने से भी मायावती पीछे नहीं हटती, चाहे कोई परिवार का ही व्यक्ति क्यों ना हो या कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो। जी देखिए मायावती ने एक दो लोगों पे कार्रवाई नहीं की, मायावती शुरुआत से लेकर अभी तक कार्रवाई करती आई हैं, जितने भी बड़े नेता रहे हो, नाम गिनाना शुरू करेंगे तो दर्जनों में नाम सामने आएंगे। इंद्रजीत सरोज सबसे बड़ा नाम था, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, नकुल दुबे, जितने भी नेता रहे हैं नाम, बाबू सिंह कुशवाहा, एक लंबी फेहरिस्त है, चाहे कद कितना भी बड़ा रहा हो लेकिन मायावती ने किसी को गलतियों पर बख्शा नहीं है। उन्होंने फौरन ही उनको पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया। अब आकाश आनंद इतने बड़े नेता के रूप में बन गए उभरे, उन्होंने मूवमेंट को जो है वो आगे बढ़ाने की बात कही, हालांकि मायावती पे आरोप भी लगते रहे परिवार। चलिए आपका सीमा बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।